हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आपके सामने आ गई हूं एक अच्छी वाली खबर को लेकर। और ये खबर जो जुड़ी है वो है मेरे फेवरेट विकी कौशल से है और मेरे फेवरेट SS3 के बच्चों से रिलेटेड है। ओके, अब आप तो जानते हैं कि इस बार जो SS3 का जो इस बार का एपिसोड है उसमें जो होने वाला है सैटरडे को विकी कौशल और एमी वर्क वो आने वाले हैं और उनकी फिल्म बैड न्यूज जो है उसको प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। एंड आई लव विकी कौशल। एक तो बहुत ही अच्छा एक्टर है और जब आप उनसे मिलते हैं तो इतना हम्बल है। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली बहुत हम्बल लगी है मुझे। इट्स बीन एजेस नाउ आई नो द फैमिली, बट विकी से जब मिली तब से लेकर यानी राजी के से लेकर अभी तक की आई ऑलवेज फाइंड हिम वेरी वेरी वार्म एंड वेरी वेरी नाइस। अब हुआ ये कि बैड न्यूज के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान मैं विकी कौशल से मिलती हूँ। ओके, और डेफिनेटली मेरा दिल तो ऐसा धक धक कर रहा था कि मैं मेरे जितने भी बच्चे हैं ना SS3 के बच्चे, उन्होंने कैसा गाया, कैप्टन्स को पसंद आया क्या, उन्होंने परफॉर्म किया, सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर रख लूं ताकि एक के बाद एक आपके सामने लेकर आ सकूं। फिर मैंने उनसे पूछा SS3 में कैसा शूट हुआ, तो उन्होंने जो बताया है वो जरा सुन लीजिए। उनके पसंदीदा कलाकार कौन से रहे हैं, कंटेस्टेंट कौन से रहे हैं, जरा वो भी तो सुनिए, आपका दिल तो खुश हो जाने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर सरदार उधम सिंह, वन ऑफ द डार्केस्ट फिल्म। आई डोंट नो आपने कैसे मैनेज किया। ओके, मैं अभी आपका देखते हुए आ रही थी सुपरस्टार सिंगर 3 में आप गए हुए थे, इतने सारे बच्चे थे, क्या मजा आया, कौन सा बच्चा, गाना कौन सा अच्छा लगा, आप शेयर करें। बहुत मजा आया और जेन्युइनली ना, कई बार मैं जैसे जब एक्टिंग में ऑडिशन भी करता था ना, मैं हमेशा घबराता था कि किसी बच्चे का ऑडिशन ना हो साथ। आजकल के बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंट हैं, मैं हिल जाता हूँ बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस देख के, उनका टैलेंट देख के। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन किसी बच्चे का ऑडिशन देख लिया ना, उस दिन मेरे से एक्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देख के बंदा घबरा जाता है। हमारे हम जो बच्चे थे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ तो टैलेंट दिखा रहे हैं। तो कल भी वैसे ही हुआ, सुपरस्टार सिंगर में इतनी कमाल के टैलेंट्स हैं वहाँ पे और इतना कमाल गा रहे थे। उसमें एक लड़का था अथर्व, उसने बहुत कमाल गाना गाया, उसने वो गाया तड़प तड़प के इस दिल से आग निकलती है, बहुत ही कमाल गाया, इतना ऊंचे सुर पे गाया मुझे पता ही नहीं था। और एक दूसरा लड़का था शुभ, शुभ भी बहुत कमाल था, उसकी आवाज़ ऐसी है, वो आज 14 साल का है, उसकी प्लेबैक सिंगर वाली एक्चुअली जैसे मुझ पे सूट हो जाए, उतनी मच्योर आवाज़ है उसकी 14 साल के लड़के की। तो मैं एक्चुअली बहुत हिल गया था और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, हर एक परफॉर्मेंस देखी, तो बहुत मज़ा आया, जेन्युइनली बहुत मज़ा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को विकी कौशल ने जो कहा है वो सुनकर अच्छा लगा होगा और दिल को बड़ी तसल्ली हुई होगी कि शुभ और अथर्व इनको जब कोई प्रेज कर रहा है, मतलब क्या होता है ना, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है हमारे सेट पर और फिर वो हमें पसंद कर रहा है, वहां तक ठीक है, क्या घर जाने के बाद उनको वो बच्चे पसंद आए हैं, उनकी आवाज याद रही है, ये जानने में हर मतलब मुझे उत्सुकता रहती है, तो इन बच्चों को तो डेफिनेटली रहेगी। अब ऐसे में इंतजार कीजिए, मैंने बच्चों के भी रिएक्शंस लिए हैं, तो वो स्टोरी जब होगी उसका भी इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए विकी कौशल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सा गाना किसकी जुबानी आप सुनना चाहते हैं विकी कौशल का, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।